नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सोनू मॉडल मेकर्स, मैं नोएडा इंडिया से हूँ। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपके काम का एक मॉडल दिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों मैं अभी इसको बहुत सिंपल है चला के दिखाने की मैं आपको ज़रूरत नहीं समझ रहा। इसमें तीन लाइट्स लगाई हैं मैंने, बहुत ही बेसिक क्लास के, जूनियर क्लास के बच्चों के लिए, तो इसके लिए मैंने इसको ज़्यादा एडवांस नहीं बनाया है। आप चाहें तो चारों तरफ लाइट्स लगा सकते हैं, बट अभी मैंने प्रेजेंटली एक साइड में सेंटर में लाइट दिखा के सिर्फ इस साइड से प्रेजेंटेबल रखा हुआ है। आप चारों तरफ से प्रेजेंटेबल रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं आपको राय दूंगा कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स मत बनाइए, आपको वायरिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप भी सिर्फ एक साइड प्रेजेंटेबल मॉडल बना सकते हैं, जैसे मैंने इस साइड से, जिधर से मैं ये वीडियो ले रहा हूँ, इसी साइड से मैंने इसको प्रेजेंटेबल बनाया। ये अभी गेट मैंने टेम्प्रेरी लगाया, दो फ्रेंड्स ये मैं अभी फिक्स करूँगा, इस पर जो भी हेडिंग लिखनी है वो लिख दी जाएगी। अच्छा, ये स्मार्ट पार्किंग है, इसमें सेंसर्स होते हैं। जब भी कोई गाड़ी आके पार्किंग में लगती है तो यहाँ पे इधर पार्किंग के गेट पे पता लग जाता है कि कितनी गाड़ियाँ अंदर फिल हैं और कितने अभी गाड़ी और लग सकती हैं। दोस्तों इसको आप पूरे को स्मार्ट सिटी भी बोल सकते हो, पर ये बहुत छोटा मॉडल है। स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, आप इतना छोटा मॉडल कभी भी स्मार्ट सिटी के लिए मत बनाना। लेकिन अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप इसे स्मार्ट सिटी भी बोल सकते हो। इसमें ट्रैफिक डेंसिटी रेड आ रहा है। दोस्तों ट्रैफिक डेंसिटी रेड आर क्या होता है कि जैसे किसी सड़क पे जाम लग जाता है, सपोज करो इस सड़क पे जाम लग गया, या रेड लाइट बहुत देर से बंद है, या मान के चलो कि आप रेड लाइट पे खड़े हैं लेकिन दूसरी तरफ से गाड़ियां ही नहीं हैं, तो ये रडार क्या देखते हैं कि जिस तरफ क्राउड ज़्यादा है, जहां भीड़ ज़्यादा है गाड़ियों की, उधर से पहले लाइट्स खोलता है। ये कंप्यूटर के सारे रूल तोड़ देता है और ये सिर्फ उसी साइड से गाड़ियों को चलने देता है। ऊपर से मॉनिटर करता रहता है कि जहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो रही है सिर्फ उसी को ज़्यादा देर के लिए खोलेगा, बाकी जिधर डेंसिटी कम है और उसको कम खोलेगा। और ये ऐसे डेंसिटी रडार्स पीछे तक लगे होंगे पूरे रोड के, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक लगा के दिखाया है। ऐसे रडार इस साइड में रोड के बहुत दूर, एक दो दो किलोमीटर तक लगे रहते हैं कि डेंसिटी का पता लगता रहे कि कितनी डेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से ये ट्रैफिक को या रेड लाइट को और ग्रीन लाइट को अपने हिसाब से ओपन और क्लोज करता है। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, दोस्तों भी मैंने यहाँ पे, सॉरी ये मैंने बैटरी इधर रखी हुई है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ये बहुत ईजी है, मैं किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पर जाके लगा दूंगा तो ये LEDs ग्लो कर जाएंगे, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई समझने वाली चीज़ है नहीं। ये जनरली हम क्रोकोडाइल क्लिप लेते हैं इसके लिए, क्योंकि स्विच लगाना इतना कम टाइम में इजी नहीं होता। अगर आप कम टाइम में मॉडल बना रहे हो तो आप इस तरह के क्रोकोडाइल स्विच ले सकते हैं। दोस्तों ये हमने सिर्फ पार्किंग एरिया दिखाए हुए हैं, यहाँ पे ग्रीनरी दिखाई है कि अगर पोल्यूशन हमें कंट्रोल करना है तो हमें ग्रीनरी भी होनी चाहिए। यहाँ पे एक पार्क की लुक दिखाई है, जिससे कि हम बच्चों को ये समझा सकें कि ग्रीनरी भी बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रैफिक ज़रूरी है तो ये हरियाली या जो ग्रीनरी है ये भी ज़रूरी है। दोस्तों फ्लावर्स बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, अगर आपको इस तरह के कोई फ्लावर्स या इस तरह का कोई सामान चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं सोनू मॉडल मेकर्स नोएडा इंडिया से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9818479606। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9818479606। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।